राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। तो यहाँ सुबह की जो है कि चाय बन रही है, और मौसम काफ़ी अच्छा है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अभी धूप नहीं निकला हुआ है। रात में तो हम लोग सोए थे, करीब 2:30 बज गया था हम लोग को सोने में। मैं और मेरी बेटी, बाकी लोग तो सो ही चुके थे। तो अभी बेटे के तबीयत में उतना आराम नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से लेके जाना होगा उसको दिखाने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, उसका फीवर उतर ही नहीं रही। इस डॉक्टर को सबको दिखा ही रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ कि फिर मुझे हो सकता है कि जाना पड़े, तो वही अभी जो है कि चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद और घर के थोड़े मोड़े काम है वो कर लेते हैं, पूजा पाठ करके फिर निकलती हूँ। देखती हूँ क्या होता है, तो आपके साथ शेयर करूँगी जैसा रहेगा। दोस्तों जो है कि चाय हम लोगों ने पी लिया था, फिर उसके बाद देखिए मौसम बिल्कुल बदल चुका है। और अभी थोड़ी सी धूप निकली थी, फिर धूप गायब हो गई है, और अभी बदली बदली सा हो रखा है। आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। फिर मौसम इस तरह के ठंडा सा मौसम हो चुका है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो मौसम चेंज होता ही रहेगा, कभी धूप कभी बदली तो होता ही रहेगा। तो चलते हैं अब लाला को जो कि स्नान करवाते हैं, और मैंने नहा लिया है, अब लाला को स्नान करवाती हूँ मैं। दोस्तों यहाँ देखिए बारिश होने लगी है, यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है, पूरी भीगने वाली है। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, अभी देख सकते हैं आप। वैष्णवी को यहाँ बैठा दिया है हमने बर्तन पोछने के लिए। लाला का जो जन्माष्टमी में बर्तन निकाली थी ना मैंने, तो वही जो है कि मैंने कहा पोछ के इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि प्रसादी वगैरह चढ़ाना होता है ना, तो फिर बर्तन ज़्यादा लगते हैं। तो वैष्णवी को लगाया है पोछने के लिए। क्यों वैष्णवी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, लाला की सेवा करना भी अच्छा लगता है, उनका काम भी करना अच्छा लगता है ना। लेकिन दांत देखे तुम्हारा, एक टूट गया है, एक टूट गया है तुम्हारा दांत। और इधर दोस्तों देखिए मेरी पूजा पाठ भी हो गई है, लाला का मैंने स्नान करा दिया है, और उनको उनका श्रृंगार भी करा दिया है। यहाँ देखिए दिया हुआ जल रहा है मेरा अभी। आप सभी लोग जो कि लाला के दर्शन कर लीजिए, सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। यहाँ दोस्तों देखिए लाला को मैंने जो है कि फ्रूट का भोग भी लगा दिया है, या नाश्ते में मैंने लाला को फ्रूट का भोग भी लगा दिया है। वैसे मैं मिश्री हमेशा चढ़ा ही रहती हूँ उनको सबसे पहले, फिर भोग लगाती हूँ। राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जो है कि नाश्ता वास्ता हम लोग का हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लाला को जो मैंने भोग लगाया था वही सब लोगों ने खा लिया है थोड़ा थोड़ा करके। और किसी का मन नहीं खाने का, मेरा तो कल उपवास ही था, तो हल्का फुल्का ही खा मैंने नाश्ता कर लिया है। और अभी मैंने मूंग दाल की खिचड़ी चढ़ा दी है, क्योंकि बाबू कुछ नहीं खाया है, वो नाश्ता भी नहीं कर रहा है, और उसको मैंने जो है कि चढ़ा दिया है मूंग दाल की खिचड़ी। तो वही उसको खिलाऊंगी, और अपने सबके लिए जो है कि सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी, रोटी तो दाल भी बनाऊंगी। और अभी हो रही है बारिश, और अभी हस्बैंड भी फंसे हुए हैं, मतलब तो अब निकल जाते वो, अभी घर ही में है, अभी गए नहीं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। रात में मैं लाला को कम से कम, हाँ 1:30 बज रहा था 1:30 बजे मैं उनको सुलाई, फिर उसके बाद सारा हटाई, सामान उमान हटाना रखना सब रात में ही मैं कर ली थी। जब तक मैं जागी तब तक वैष्णवी भी जागी हुई थी मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं सोई नहीं, क्योंकि बाबू को बहुत तेज फीवर था, उसको देखना, फिर दवा पिलाना, यही सब में मैं, फिर उसके बाद 3:30 बजे मैं उठ गई, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा फीवर था कि क्या ही बताऊँ। फिर उसको दवाई वह दिया, तो अभी वो ठीक है, लेकिन खा कुछ नहीं रहा है। तो मैं सोचा कि उसको खिचड़ी दे देती हूँ, देखती ये भी खाता है कि नहीं, क्योंकि सादी खिचड़ी मैं बना रही हूँ, और उसको बुखार की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। तो चलिए फटाफट जो कि खिचड़ी बना लेती हूँ, आप लोग में बने रहिएगा। दोस्तों देखिए खिचड़ी मेरी बन के तैयार है मूंग की, और इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी हल्का सा। देखिए इसमें घी भी डाल दिया, ऐसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा ठंडा हो जा रहा है ना, बाबू को खिला देती हूँ पहले।
तो इधर दोस्तों मैंने बाबू को खिला दिया था खिचड़ी, और फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ देखिए आलू और सोयाबीन को मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इसी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। उसको तो मैंने खिला दिया है खिचड़ी, अगर थोड़ा बहुत भी मन करेगा तो खा लेगा, वैसे खाएगा नहीं वो, वही कितना मुश्किल से खाया है वो भी छोड़ दिया है। तो चलिए इसको जो है कि फ्राई कर लेती हूँ मैं फटाफट। तो इधर दोस्तों जो है कि सोयाबीन फ्राई कर लिया था मैंने आलू के साथ, और फिर हल्का सा मसाला देकर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही नाम मात्रा मैंने डाला है मसाले, तो इसे अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद हल्का सा पानी डाल दूँगी इसमें। तो दोस्तों यहाँ जो कि थाली मैंने लगा लिया है, और यहाँ कट कर लिया है खीरा, ये सब्जी, ये थोड़ी सी दाल ले लिया है, यहाँ ये रोटी चावल मैंने नहीं बनाया है। तो चलिए लंच कर लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। दोस्तों हम लोग का लंच हो गया है, और लड्डू बाबू का मैंने सुला भी दिया है, और अभी हो रही है बहुत गर्मी, बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है। और यहाँ देखिए लड्डू बाबू के कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे, ये भी सूखे नहीं हैं क्योंकि धूप हुई नहीं है, और बदली बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बादल काला काला हो रखा है। इधर देखिए बैक कैमरा से सही से दिखेगा, तो बिल्कुल काला काला बादल हो रखा है, बहुत गर्मी है। अब चलती हूँ मैं, बच्चे को थोड़ा दवाई पिला देती हूँ, बाबू को, उसको भी टाइम टाइम से दवाई पिलाना होता ना दोस्तों, क्या करो भी तबीयत उसका सही है नहीं, इसी वजह से टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी तो मत ही पूछिए, कल उतनी गर्मी नहीं थी जितनी आज है। तो चलिए फटाफट जो कि बाबू को दवाई पिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा एडिटिंग का काम बाकी है वो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो इधर दोस्तों शाम हो चुकी है, और शाम के बज गए हैं 5, तो यहाँ लाला को जगा लिया है, उनका श्रृंगार भी कर दिया है, पानी भी पिला दिया है, और यहाँ भोग लगा दिया है मखाने का। तो देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे माधव जी हैं वो स्माइल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। तो यहाँ दोस्तों जो है कि रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, अभी तो फिलहाल झीसी पड़ रही है। अब मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, और दोपहर को तो बहुत ही ज़्यादा उमस हो रखी थी, बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। अभी देखिए बादल इस तरीके का हो रखा है पूरा, जैसे लग रहा है कि फिर अभी झमाझम बारिश होगी। तो थोड़ी रुक के हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से देखिए पूरा बाहर ऐसा हो गया, देखिए रेलिंग पे भी पूरा बूंदाबांदी पूरा हो गया है। इधर मैंने पूरा साफ़ कर रखा था, देख सकते हैं पूरा गंदा हो जाता है बारिश की वजह से, आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके से पूरा कचड़ा हो जाता है। और मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, और क्या बोलते हैं अभी हस्बैंड आए नहीं है, चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कभी आ जाते हैं तो फिर साथ में चाय पीते हैं, शाम की चाय तो साथ में ही मैं सोचती हूँ कि पी लूँ। और अभी बारिश देखिए स्टार्ट हो गई है हल्के हल्के, बस अभी आज फोर्थ का आया था अभी, तो बोले बस मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, तो फिर आ जाते हैं ना, तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। 5 जहाँ बजता है ना बस मुझे चाय, बस चाहता है कि हाँ चाय मिल जाए। निशु जी को बहुत वो रहता है कि हाँ मैं बालकनी में चाय पीती हूँ, जी आप भी आ जाइए मेरे साथ बालकनी में अदरक वाली चाय पीने के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है, ज़रूर आइएगा। दोस्तों यहाँ जितना मैंने गुब्बारा लगाया हुआ था सब बच्चों ने ले लेके फोड़ दिया है, यहाँ थोड़ा बहुत अभी लगा हुआ है, यहाँ देखिए इधर ये बच्चों का खेल है, ये बच्चे निकाल के अपना खेलेंगे। अभी तो बाबू की मेरी तबीयत ख़राब है, उतना नहीं खेल रहा है, बट अगर अच्छा होता तबीयत ना तो सारा यहाँ का कुछ बचा नहीं होता, सब कुछ निकाल उकाल लिया होता। तो अभी तो बेचारा सुस्त पड़ा हुआ है, अभी तो सोया हुआ, अभी फिर से उसको फीवर है, पता नहीं क्या हो रखा है कि रात जैसे ही शाम होती है वैसे उसको फीवर बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ दोस्तों जो कि हस्बैंड आ चुके थे, और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है चाय, तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है चाय, और चाय मेरी पक रही है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, शाम की चाय।
दोस्तों यहाँ जो कि चाय मैंने निकाल लिया है, ये बच्चे की चाय है और ये मेरी और हस्बैंड की चाय है। यहाँ टोस्ट निकाल लिया, जिसको खाना होगा खा लेगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरी शाम की पूजा पाठ मैंने जला दिया है और यहाँ पूजा पाठ कर लिया है दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं अब वीडियो का एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिएगा दोस्तों। आ जा देख लीजिए मेरे छोटू बाबू जो है कि बंसी बजा रहे हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे अगर नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।